नोएडा में 50 किलो ड्रग पकड़ी गई है जिसकी मार्केट में कीमत 150 करोड़ रुपए है, और ये सारी की सारी ड्रग दिल्ली एनसीआर के कॉलेज में सप्लाई हो रही थी। दिल्ली एनसीआर में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, एमबीए के कॉलेज हैं, और भी जो डिग्री कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर यह ड्रग सप्लाई की जाती थी। बनाने वाले 4 नाइजीरियाई हैं, ये नाइजीरिया से स्टूडेंट वीज़ा लेके आए थे, ड्रग बना रहे थे और कॉलेज में सप्लाई कर रहे थे। कहने का मतलब, पैसा कमा रहे थे नाइजीरिया वाले और बर्बाद हो रहे थे हमारे बच्चे। भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है इस नशे के कारोबार के कारण। और ये नशे का कारोबार केवल दिल्ली में नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी चल रहा है, महाराष्ट्र के मुंबई में भी चल रहा है, पंजाब के चंडीगढ़ में भी चल रहा है, और केवल राज्यों की राजधानियों में नशे का कारोबार नहीं चल रहा है बल्कि हर जिले में चल रहा है। भारत का ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ड्रग सप्लाई शुरू नहीं हो चुकी है, ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई लॉ कॉलेज नहीं है जहां पर ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया है। और इसका मूल कारण है घटिया कानून। ड्रग बनती रहती है, छापा मारा जाता है, ड्रग पकड़ी जाती है, मुकदमा चलता रहता है, लेकिन आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। आज तक किसी ड्रग स्मगलर को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म नहीं हुई। इसीलिए ड्रग स्मगलर पे कार्रवाई तो होती है लेकिन ड्रग स्मगलिंग रुक नहीं रही है। सवाल यह है, ये सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती, ये जापान में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है कि भारत, जहां भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, भगवान बुद्ध का कर्मभूमि है ये, वहां पे ड्रग का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है और जापान और सिंगापुर में तो ये नहीं चल रहा है? मैं बार बार कहता हूं, दवा बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, कानून डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलना पड़ेगा। शासक बदलने से नशा तस्करी नहीं रुकेगी, नियम कानून बदलना पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस वादे के साथ आई थी कि हम ड्रग स्मगलिंग रोक देंगे। 2 साल बीत चुका है, मुख्यमंत्री वहां भगवंत मान को ढेले भर की ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकी है। कोई एक भी जिला ऐसा है नहीं पंजाब में जहां ड्रग स्मगलिंग आज भी नहीं हो रही। इस ड्रग स्मगलिंग के कारण हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है, हमारी पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। कितने घर तबाह हो चुके हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा यह कि भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, धन भी बर्बाद हो रहा है, धन भी बर्बाद हो रहा है, स्वास्थ्य भी बर्बाद हो रहा है। इसके बावजूद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रही। कोई भी सांसद और विधायक ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहा। सवाल यह है कि नाइजीरिया से वीजा मिला, वो नोएडा आए, ड्रग बना रहे, ये वीजा ऐसा कैसे हो गया कि वीजा दिया लेकिन कभी वेरीफाई नहीं किया कि स्टूडेंट वीजा मिला है तो ये जो वीजा लेके आए ये पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते? दूसरा, वीजा के वायलेशन पे कठोर दंड का भय नहीं है? अमेरिका में अगर आप वीजा रूल को तोड़ेंगे तो आपको 20 साल की सजा होगी। चीन में अगर आपने जो नियम है वीजा नियम उसको तोड़ा तो आपको 10 से 20 साल की सजा होगी। सिंगापुर में अगर आपने वीजा नियम तोड़ा तो आपको 10 से 20 साल की सजा होगी। भारत में वीजा नियम तोड़ने पर कोई सजा ही नहीं है, इसलिए लोग वीजा लेके आते, स्टूडेंट वीजा लेके आते, यहां ड्रग बनाते हैं और ड्रग सप्लाई करते। स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं यहां धर्मांतरण के काम में लग जाते हैं। स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं यहां जगह जगह चंगाई सभा कर करके लोगों को कन्वर्ट करते। स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं जगह जगह ट्राइबल्स के बीच में, आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण कराते। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से पूछिए कि आखिर नियम कानून बदलने में समस्या क्या है? कानूनों के बदलाव में कोई लागत तो आती नहीं। स्कूल बनाने की लागत आती है, कॉलेज बनाने की लागत आती है, रेलवे स्टेशन बनाने की लागत आती है, ट्रेन बनाने की लागत आती है, मिसाइल बनाने की लागत आती है, हर चीज की तो लागत आती है, लेकिन नियम कानून तो मुफ्त में बन जाता है। एक हाईवे बनता है उससे मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है, कानून बनता है उसे 100 करोड़ लोगों को फायदा होता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये दल गुलामी छोड़ दीजिए,
नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए, ये पार्टियां और ये नेता ये भारत की संस्कृति बचाने नहीं आएंगे, भारत की संस्कृति आपको बचाना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि जो समस्या भारत में है अगर वो चीन में नहीं है, इसका मतलब उनका उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी की सजा है, हमारे देश में ये कानून क्यों नहीं बन रहा है? चीन में भ्रष्टाचार पे फांसी की सजा है, ये कानून हमारे यहां क्यों नहीं बन रहा है? जापान में अवैध घुसपैठ पे आजीवन कारावास की सजा है, ये कानून हमारे यहां क्यों नहीं बन रहा है? कुछ देशों में धर्मांतरण पे भी 20 साल की सजा है, ये कानून हमारे यहां क्यों नहीं बनता? हमारे देश में अगर आप भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है, हमें वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। ये जो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जो दुनिया भर का घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड, और जितने अपराध हैं उसमें दंड हमें सबसे कठोर देना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने बोला ना, भय बिन होय न प्रीत। हम अपने कानूनों की अपने कानूनों को बाहर के कानूनों से कंपेयर करें और अपना कानून सर्वोत्तम कानून बनाए। भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अब ये जो ड्रग स्मगलर पकड़े गए ना, 50 करोड़ ड्रग पकड़ी गई है, 150 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है, इतना तो पकड़ा गया। ये पता नहीं कितने साल से ये कारोबार कर रहे थे, कितने घर बर्बाद कर चुके हैं, कितने बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना चुके हैं, कितने माता पिता का सपना तोड़ चुके हैं, ये भगवान जाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान कानून में ये जो चार नाइजीरियाई पकड़े गए हैं ना, न इनको आजीवन कारावास फांसी होगा, न इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, और कठोर जब भय कानून नहीं होगा तो भय नहीं होगा। आखिर ये नाइजीरियाई भारत में आके ड्रग क्यों बना रहे हैं, चीन में जाके ड्रग क्यों नहीं बनाते? ये नाइजीरियाई भारत में आके ड्रग क्यों बना रहे हैं, सिंगापुर में क्यों नहीं जाके बनाते हैं? क्यों? क्योंकि सिंगापुर में पता है अगर ड्रग का कारोबार किया 6 महीने के अंदर फांसी हो जाएगी, और उनको भारत के कानून के बारे में पता है, यहां कर लो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20-30 साल मुकदमा चलेगा, हाई कोर्ट में 20-30 साल मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा, 50-60 साल मुकदमा चलेगा, और बाद में 10 साल सजा हो जाएगी। अभी हुआ है ना अलीगढ़ में, नकली शराब से 500 लोग बीमार हुए, कई लोगों की आंख खराब हो गई, कई लोगों का लीवर खराब हो गया, कई लोगों का किडनी खराब हो गई, 106 लोग मर गए। और जानते हैं सजा कितनी हुई 106 लोगों के मरने पे? 5 साल की। 500 लोग बीमार हुए, 106 लोग मर गए, जुर्माना 11,000। ऐसा घटिया कानून है यहां का। हम सब कुछ वर्ल्ड क्लास बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, सब कुछ वर्ल्ड क्लास मिसाइल, लेकिन वर्ल्ड क्लास कानून नहीं बनाते। और वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप डिमांड नहीं करते। आप ज्यादातर लोग दल गुलाम हो चुके हैं, पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, अपना विवेक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वो केवल नेताओं की चाकरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की चाकरी कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है इन सबको कि भैया जो समस्या है भारत में है, सिंगापुर में, जापान में नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सब सीधी सी बात है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, ना हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है। शिक्षा ऐसी हो जो संस्कार भर दे, और कानून का इतना कठोर हो कि आदमी अपराध करने के पहले 100 बार सोचे, तो शिक्षा भी अच्छी नहीं है, इसलिए घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी चल रही है, और कानून का भय नहीं है, इसलिए भी अपराध बढ़ता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपराध रुके, अराजकता रुके, भ्रष्टाचार रुके, नशे का कारोबार रुके, मानव तस्करी रुके, नशा तस्करी रुके, सड़क के किनारे अवैध निर्माण रुके, ये जनसंख्या विस्फोट रुके, ये धर्मांतरण रुके, घुसपैठ रुके, तो कठोर कानून की मांग करिए। वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन सिविल कोड, वन नेशन वन एविडेंस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, और जस्टिस विद इन ईयर, यही अस्थाई समाधान है। बाकी सब केवल तू तू मैं है, आरोप प्रत्यारोप है, नूरा कुश्ती है, बतोलेबाजी है।